इस रैप के ऊपर जब तक लाइट नहीं पड़ती ये रैप अपना रंग बदलता ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक है, इसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज़। फाइनली हम लोग सेफली पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे होना है रैप, और आज इंशाल्लाह होपफुली रैप हो जाए बस, क्योंकि कल बहुत रुकावटें आई हैं आउट ऑफ नो वेयर। आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग यस्टरडे की यार हमें इतने मसाइल फेस करने पड़ेंगे। मुझे लग रहा था कल के दिन में हमारी गाड़ी पूरी रैप हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने रैप चेंज हो गया, शायद ये रैप हमारी किस्मत में लिखा था इस रंग का, और ये रंग इतना पंगे वाला रंग नहीं है, अच्छा खूबसूरत रंग है। लेट्स होप सब गाड़ी पर भी खूबसूरत लगे। जो पहले ब्राउन लेकर आए थे वो एक पंगा था, और मैं आपको आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोग कहते हो आपकी चॉइस क्या है। भैया पंगे ले रहे हैं हम यार, एंजॉय करो, दिस सीरीज इज जस्ट फॉर फन, एंजॉय इट, डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट कलर्स, एंजॉय करो। आई मीन ही फजूल में नहीं, ऐसे ही जज नहीं करते। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा है जज मत किया करो, बहुत सबसे गंदी, मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, तो जज नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। रिजवान भाई का इंतजार है, रिजवान भाई आएंगे तो फिर इसका वो शुरू करेंगे, रैप शुरू करेंगे। और उससे पहले पहले हमने क्या करना है, रील्स के कुछ शॉट ले लेने हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाले जो हमने कल लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रैप हमें चेंज करवाना पड़ गया, वो वाले शॉट्स लेते हैं। और गाड़ी को सही तरह से खड़ा करते हैं, इसको सही एंगल पे जहाँ पे खूबसूरत भी लगे, और फिर रील्स साथ साथ ब्लॉग एंजॉय करेंगे। आइए आइए, वेलकम बैक वंस अगेन ब्रदर। इस दफा अच्छा कलर लेके आए, मैंने कहा आपको शिकवा ना करो इससे पहले। रिजवान भाई और जाहिद भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, गाड़ी पे मारा जा रहा है कपड़ा, और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा रैप रोज रेड कलर में। रोज रेड उसका नाम है, असल में हम कल वो देख रहे थे तो पिंक पिंक लग रहा था, लेकिन असल में जो उसका नाम है जो उसके डब्बे के ऊपर लिखा है, एक दफा मैं आपको दिखाता हूँ। जुम्मा नहीं ना पड़ गया तू मैं पड़े आ गए हैं, पड़े आ गए हैं। अच्छा, ये रोज रेड मेटेलिक ग्लॉसी रोज रेड कलर है, और झूठ बोल रहा ब्लैक है यार। सुन दे, लाइटें दिखाई ना दी, रीबॉर्न की मैं कहता हूं प्यार नहीं हो गया मेरा, मैं पार्टी जा रहा हूं। ब्रदर मैं काम कर रहा हूँ ब्रदर, जो कल बनाई थी अगर आपको याद नहीं है मैं आपको एक बार रिफ्रेश बताता चलूँ। हाँ ऐसे करना है इसने, और रैप गिरेगा गाड़ी के ऊपर और फिर गाड़ी रैप हो जाएगी। क्या बात है, ये ट्रांसिशन जो है ये आपको इंस्टाग्राम में मिले, इंस्टाग्राम पे मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी। इधर अगर हमने ये कर ली तो वीडियो फिर सिर्फ 2 मिनट की बनेगी, तो इसीलिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इस तरह की क्रिएटिव वीडियोज के लिए। थैंक यू। दो तीन ट्राई करनी, इससे नहीं बनानी। ये देखें गरीबों का, यहाँ पे भी देखो आसरा हसमुख चेहरा है, मैं क्या करूँ, कितना मुझे पावर है फीलिंग यार, मैं तेरा बड़ा इतना हो कि चार बजे बैठ।
कितना ज्यादा रैप कम हो रहा है इधर, एंजॉय ज्यादा बन, रीले ज्यादा बन रही है, इतना कंटेंट नहीं मिस करता आपका भाई, बड़ा प्रोफेशनल है। ये रील बन रही है, प्रैंक फेल हो गया। ऐसा जहाज, ऐसे जहाज ही नहीं उड़ाया जा रहा। इस बंदे के बस का ही नहीं है। ये ना रिजवान भाई कोई काम नहीं कर रहे, इनका दिल कर रहा है उड़ाने का। बुजुर्ग की यादें ताजा कर रहे हैं। ये भाई ये इन्होंने पेट्रोल भरा है। Take 156। अच्छा यार ये रील्स वाले काम में हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिए और अब ना काम शुरू करने लगे हैं, लेकिन काम शुरू करने लगे हैं तो रिजवान भाई को याद है इंची टेप भी नहीं है इनके पास। इंची टेप लेने गया है बॉय, वो लेके आता है तो फिर अपना काम अब स्टार्ट कर देना है क्योंकि बहुत लेट हो गया है, दिन की रोशनी हो रही है ख़त्म, 2:30 बज गए हैं अभी, तो रैप स्टार्ट करवाते हैं। यार देखिए नीचे से भी लगे ना वो बहुत कुछ होता है मेरे साथ रिव्यू में, बहुत मुझसे एवरेज पूछी थी, मैं 4 मिनट सिर्फ एवरेज के बारे में बात करता रहा, एवरेज नहीं बताई मैंने, हो जाता होता है इस तरह यार, कुछ नहीं होता। और प्रॉपर रिव्यू नहीं था रूडी का, प्रॉपर रिव्यू इंशाल्लाह जल्द आएगा, वो सिर्फ गपशप थी। इस कलर के साथ ग्लॉसी ब्लैक रूफ बुरी लगेगी है ना, तो हमें ये इसी कलर में करवानी पड़ेगी, नहीं करवाते हैं अभी, स्क्रीन तो करवानी पड़ेगी। ये जो आवाज़ है ये आवाज़ क्लियर करनी है फजी भाई ने, लास्ट टाइम इन्होंने प्यारे भाई ने उसको लो किया था, अब इसका जो काम है ना ब्रेक्स आवाज़ कर रही है, बड़ी गंदी सी आवाज़ आ रही है, और कॉइल ओवर एक लीक हुआ, क्या हुआ लीक ही रहा है मेरा, आप यहीं पे करने लगे हो काम, इसका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा भाई, ये घर आके काम कर देता है, आपने इसको कॉन्टैक्ट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर मौजूद है। लालू का काम क्लियर हो गया, इसकी ब्रेक्स का क्लियर नहीं हुआ, कॉइल ओवर का काम क्लियर कर दिया फजी भाई ने, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया वो कॉइल ओवर जो है अनफॉर्चुनेटली हमारा हो गया लीक। और रही बात रूडी की, तो रूडी की लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई है एज यू गाइस कैन सी, माशाल्लाह ये वही वाला सीन चल रहा है, कहीं से आपको पिंक लगेगा, कहीं से आपको रेड लगेगा, कहीं से डार्क मेहरून भी वाइब है, काफ़ी मज़ेदार कलर है, डिफरेंट शेड्स देता है, और रात के टाइम प्रॉबेबली ये बड़े मज़े की वाइब देगा, और ये रात हो जाएगी हमें इस गाड़ी को कंप्लीट करते करते, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, बड़े मज़े की लुक है ये। और ये वो वाला पंगा नहीं है जो हमने पहले लिया था, ये गुड कलर है, इसको हम थोड़ा ज़्यादा देर चलाएंगे क्योंकि मज़ेदार कलर है, मज़ा आ रहा है इसको देख के, और इन्जॉय करेंगे इस कलर को हम इंशाल्लाह। इस रैप के ऊपर जब तक लाइट नहीं पड़ती ये रैप अपना रंग बदलता ही रहता है, अब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो यहाँ से आप देखो गोल्डन भी लग रहा है, ब्राउन भी लग रहा है, पीछे से पिंक भी लग रहा है, कहीं से रेड भी लग रहा है, और कहीं से इवन ब्लैक भी लग रहा है, तो बड़े मजे की वाइब दे रहा है ये कलर। उधर पड़ा हुआ ये रैप इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब गाड़ी पे हुआ ना मैं कहता हूँ यार क्या ही बात है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी ब्लैक रूफ है जो कि एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ट्रंक पर हमने फेस की है। लुक एट दिस, रैप इतना खूबसूरत हो और ऐसी फिनिशिंग आए बहुत अफसोस होता है, लेकिन इसमें इन भाई की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती इस गाड़ी की बेस की है जो कि सही से तैयार हम नहीं करवा पाए शॉर्ट टाइम की वजह से, इधर अगर पुटीन और अस्तर लग जाता ना और ये फाइनल फिनिशिंग में होती तो ये इस तरह के बबल्स और इस तरह का रैप नहीं होना था। बाकी गाड़ी में इतना मसला नहीं हुआ, हमें ट्रंक पे बहुत ज़्यादा मसला फेस करना पड़ा है, लेकिन चलो ये वाला जो हिस्सा है ये स्पॉइलर की वजह से छुप जाएगा, और यहाँ पे कुछ हिस्से, यहाँ पे एक और फ्रेम आता है ब्लैक कलर का वो छुप जाएगा, तो वो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे इजी सीन है। उसके अलावा अगर हम राइट साइड पे आए गाड़ी की, तो राइट साइड पे जो ये दरवाज़ा आप देख रहे हो, यहाँ से रैप लगाते लगाते
यहाँ से थोड़ा सा अस्तर जो है वो निकल गया। अब फजी भाई क्योंकि हमारे पास है, सोने पे सुहागा हो गया, फजी भाई को हमने भेजा है कि प्लीज जाके एक सैंड पेपर ले आए और यहाँ पे इसको फ्लैट कर दें, इवन सरफेस कर दें, ताकि हमारा रैप इस दरवाजे पे भी 100% फिनिशिंग में आ जाए। लेकिन यार ये रैप बहुत अच्छा लगता है, मस्त से। इस बंदे की चॉइस और हसन की चॉइस, गुड चॉइस, मज़ा आया देख के। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था तब, लेकिन इतना नहीं कि यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। लास्ट रैप में बहुत कंफ्यूजन थी, कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। इवन गाड़ी रैप हो गई थी तब भी मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन जब गाड़ी सड़क पर चली थी तब मुझे थोड़ी सी अच्छी लगना शुरू हो गई थी। तो इस रैप में तो मैं कहता हूँ टोटली डिफरेंट, टोटली यूनिक एंड टोटली मज़ेदार लुक। रेड का भी टच है, सारे ही कलर का टच है यार, गिरगिट कलर है ये। तो भैया फाइनल डिसाइड हमने ये किया है कि हम छत उतार देंगे, और मज़े की बात ये है यहाँ पे ऑल क्लियर है, तो वो कोई मसला नहीं है हमें कि ब्लैक कलर उतरेगा पुलिन उतरेगी। जन पूरा ताकत का भी इस्तेमाल हो रहा है, गुड चीज़ है। इसको बॉडी कलर करवाएंगे इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी असली है। ये कुछ पीसेज इसके जेन्युइन थे, जो जेन्युइन नहीं थे उन्होंने बहुत तंग किया। इसी पॉइंट पे एक मजे की इंफॉर्मेशन आप सबके लिए ये है कि जेन्युइन गाड़ी पे जैसा मर्जी जोन सा मर्जी जब मर्जी रैप करें उतारें कुछ नहीं होगा, पेंटेड गाड़ी पे करेंगे फट जाएगी गाड़ी की पुटी। वो भी यही किया, वो अपना पेपर ले आया तो लगाना शुरू कर दिया, मैं कर दें इसमें ना मैं समझ नहीं आती, नुकसान हो रहा है भैया। ये एक रिजवान भाई और जाहिद भाई की तरफ से कंप्लेन ही आई है कि आप लोग इंसिस्ट कर रहे हो इनको कि रैप जो है हमारे साथ लेने चलें। यार सीन ये है, रिजवान भाई की एक नहीं दो दो दुकानें हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है, इनको फ़ोन करके आप उनकी जितनी डिटेल्स देना चाहते हो वो ले लो। काम धंधा अगले का तुम्हें ना मारो यार, व्हाट आर यू डूइंग यार, व्हाट आर यू डूइंग। येलो लाइट में गोल्डन, वाइट लाइट में पिंक, और सेंटर में रेड। पकड़ो उसको, आ जाओ आ जाओ। ब्रदर मेरी गाड़ी को पसंद है ना, मैं सही कह रहा हूं। ब्रदर ना, ओ ब्रदर ना, ओ ब्रदर, इसकी बारी क्या। तकरीबन 10 घंटे इस गाड़ी को जुड़ने के बाद सारे कोने में खड़े होकर गाड़ी को घूर रहे हैं और सबको माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी लग रही है। और सारे माशाल्लाह बोल दो एक बारी। क्या बात है। इस खूबसूरत गाड़ी को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत इस बंदे की है। जब मैंने कहा है रिजवान भाई आ जाते हैं इसको रैप करने, महीने बाद हमने पुराना रैप उतार दिया और नया रैप कर लिया, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यार बार बार क्यों तंग कर दिया जाते हो मुझे, लेकिन यार इस बंदे को क्रेडिट जाता है। और माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है बावजूद इसके कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो थी ना वो पेंट के अंदर, मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा मसले थे, फिर भी रिजवान भाई ने दिलो जान से मेहनत की है और ऑल थैंक्स टू हिम एंड हिज टीम। बाकी अगर आपने इनसे काम करवाना हो तो इनका नंबर मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप इनसे जाके काम करवा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, रैप इनकी शॉप पे सिलेक्ट किया करें, ही इज़ ये मेरे दोस्त है एक हिसाब का, यार मेरा भाई है एक हिसाब का, इसीलिए मैं साथ ले जाता हूँ इनको, वरना उनका कारोबार है वो अपना अपनी दुकान छोड़ के किसी के लिए नहीं जाते, ये तो मेरे लिए फेवर करते हैं, तो इसीलिए आप आएँ इनकी शॉप से, जो भी आपको चाहिए सारा कुछ रेडीली अवेलेबल है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ब्रदर अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, ध्यान से जाइएगा, बहुत ज़्यादा लग रही है, सोसाइटी में जाएगा तो ज़रा ख्याल कर लें, ठीक है यार। पता नहीं जी, फजूल का नुकसान है यार। चलो सही है, तुम जाओ। ओके अल्लाह हाफिज़।
थकावट इस कदर है कि उसको ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन कुछ नहीं होता, गाड़ी अपनी टेंशन किस बात की है, फिर एंजॉय करेंगे आपको और मज़ीद एंजॉय करवाएंगे। लेकिन क्रेजी लुक से यार, क्रेजी लुक, अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा आपको कैसी लगी है। कि मुझे इस बात की खुशी है कि दिन में ये पिंक भी लगेगी, रात में ये रेड भी लगेगी, ब्राउन भी लगेगी, कहीं से गोल्डन टच भी है, लाइट बिल्कुल ना पड़ी हो तो कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी ब्लैक ब्लैक भी लगती है। और अभी कुछ चीज़ें हैं उसकी, जैसे कि स्पॉयलर, लोगो, इस तरह की चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाए। और एक सदमा मुझे लग गया यार, लेफ्ट साइड का जो दरवाज़ा है उसका एक ढक्कन टाइप जो भी आप खेले उसको, वो गिर गया है, बड़ा बैड सीन हुआ है। रैप में इस तरह के होते रहते हैं यार, अगर आपने चीज़ सही से नहीं लगाई, क्योंकि सारी गाड़ी खुली पड़ी होती है तो वो मसला कर देती है। तो खैर अभी वक्त है खाना खाने का, भूख बहुत सख्त लगी है और एनर्जी का जो है वो लेवल, एनर्जी का पारा बहुत गिर चुका है। तो कुछ खाते हैं, एनर्जी अपनी बहाल करते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं इसी नोट पे ख़त्म। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दो, मेहरबानी ताड़ी। 200K इज़ वेरी क्लोज, वी कैन डू दिस, वी कैन रियली डू दिस। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में भाई याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय द वे, गाड़ी हमने ऊँची करनी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा।